नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं कनॉट प्लेस के अंदर। कनॉट प्लेस में हमारे साथ वो महान शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ बहुत बड़ा जीवन बिताया है और उनकी सेवा भी करी है। अजीत गौतम, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और परिचय के मोहताज नहीं है। अजीत जी, पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं सबसे पहले एसएम न्यूज़ का आभारी हूँ जिन्होंने आज मेरे को सुनने का मौका दिया है जी। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी जो बाबा साहब की बताई हुई बातें मैं वही आपके सामने पेश करूंगा। मैं अपनी कोई भी बात अपनी तरफ से भी आपको मैं नहीं बताऊंगा, ये सारी बातें बाबा साहब की हैं। अजीत साहब, आप बाबा साहब के साथ रहें ये बड़ा सौभाग्य की बात है, आपके लिए भी, हमारी आपसे बात हो रही है हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अजीत साहब, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुजन समाज के लोगों के लिए अलग वोट की मांग क्यों रखी थी? हाँ, एक बहुत बड़ी लंबी सोच थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, क्योंकि इस देश की जो आबादी है उसका 1/4 जो हिस्सा है वो हमारे समाज का, दलित समाज का है, बाबा साहब के समाज का है। अब बाबा साहब जी देव जी, उनको पूरी तरह एहसास हो गया था कि जब तक मैं पार्लियामेंट के अंदर मेरे लोग नहीं होंगे, जब तक मेरे समाज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट में नहीं होंगे, वो मेरे समाज के लोगों के लिए कभी भी, वो सबसे पहले वजह मैंने बता रहा हूँ कि वो मेंबर होने के पर ही वो हमारे समाज के बेहतरी के लिए सारा काम करवा पाएंगे। आज अगर पार्लियामेंट के अंदर हमारे समाज के लोग उसी अलग बोर्ड के आधार पर चुनकर आए हुए होते, जैसे 171 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, वो कभी भी अगर हमारे हित की बात नहीं होती तो गवर्नमेंट को वो कभी भी टॉपल कर सकते थे, लेकिन वो एक ज्वाइंट बोर्ड के आधार पर आए, वो सेपरेट इलेक्टोरेट से चुनकर नहीं आए। बाबा साहब की सोच एक बहुत लंबी सोच थी, क्योंकि मैंने तो उनको 24-24 घंटे कई दफ़ा देखा है। वो सुबह से बैठते थे, लिखते लिखते अगली सुबह जब आती थी कहते मेरा बुर्श लाओ। वो इतने ऐसे महापुरुष थे जो, क्योंकि मैंने उनके साथ काम तो क्या करना, मुझे उनको देखने का, उनकी सेवा करने का मौका मिला। कभी सब्जी ले आए, कभी उनके लिए दरियाँ बिछा दी, कभी लोगों के लिए जो गेस्ट मेले के लिए आते थे उनको बैठाना, उनकी आव पद करना। और मैं उस वक्त 15 साल की एज में मैं दिल्ली आया था और नानचंद रत्तू जो थे वो मेरे रिलेटिव थे उन्हीं के पास, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को मौका मिला ऐसे महापुरुष को देखने का। और उस दिन के बाद और मैंने एजुकेशन भी दिल्ली में कंप्लीट की। अब मैं ज़्यादा बात ना करते, मैं उस अलग बोर्ड पर ही आऊँगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हर तरह की सोच के बाद जब वो इस नतीजे पर पहुँचे कि जब तक पॉलिटिकल पावर हमारे पास नहीं आएगी तब तक हम कोई भी किसी भी समस्या का हम हल नहीं कर पाएंगे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर शुरू से लेकर आखिर तक उन्होंने कभी भी गांधी एंड कंपनी के लोगों से नहीं मांगा था, ना उन्होंने इनका कोऑपरेट किया था, ना कोऑपरेशन इनको दिया, ना, क्योंकि ये तो बाबा साहब को कोऑपरेशन देने वाले नहीं थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, गांधी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांग रहा था आज़ादी, और डॉक्टर अम्बेडकर की भी ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर एमजे मैकडोनल्ड से आज़ादी मांग रहे थे, क्योंकि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को जो कंपेल कर दिया, मजबूर कर दिया कि भाई मैं गुलामों का गुलाम हूँ, इस गांधी से पहले जो ये सिर्फ तुम्हारा गुलाम है, मैं तो इनका भी गुलाम हूँ और आपका भी गुलाम हूँ, और मुझे आज़ादी इनसे पहले मिलनी चाहिए। जो जे गांधी साउथ अफ्रीका के अंदर नस्ल भेद रंग भेद का लड़ाई लड़कर हीरो बन के इस देश में आता है और कदम कदम पर डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध करता है, सबसे बड़ा रोड़ा जो था ये गांधी था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आगे, और किसी ने भी डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध नहीं किया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस कर दिया और उन्होंने बाबा साहब की बात को मानकर इस देश के अंदर सर जॉन साइमन को भेजा, देश के लोगों की मतलब हमारे जो लोग थे उनके उनका जायजा लेने के लिए कि इनकी हालत कैसी है, साइमन का विरोध किया नेशनल कांग्रेस ने। और ये जहाँ तक कि साइमन गो बैक, अब साइमन क्यों आया था इस देश के अंदर, साइमन क्या चाहता था और कांग्रेस क्या चाहती थी, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा।
साइमन को सारे देश में घुमाया गया। घुमाने के बाद साइमन जब लास्ट में लखनऊ जा रहा था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ, तो रास्ते में कानपुर के पास एक मंदिर आया, वहाँ पर गाड़ी को रोक लिया गया। रोकने के बाद, क्योंकि इन लोगों ने बता दिया था हमारे लोगों को कि गोरा आएगा और आपने बोल देना हमें मंदिरों में जाने की इजाज़त है, हमें कुओं पर पानी पीने की इजाज़त है, हमारे साथ कोई किसी किस्म का भेदभाव नहीं है, क्योंकि हमारे लोग तो डरे हुए थे। जब गाड़ी को रोका गया, हमारे समाज के एक बुज़ुर्ग को बुलाया गया कि भाई, माता जी को बुलाया गया हमारे समाज के ही कि भाई आपको मंदिरों में जाने की इजाज़त है, आप पूजा पाठ करते हो, तो माता जी ने बड़े फौरन बोल दिया कि हाँ हम मंदिर में जाते हैं, खूब कैंट्रियाँ बजाते हैं, हमें कोई रुकावट नहीं है। इस पर सर जॉन साइमन ने डॉक्टर अम्बेडकर को पूछा, भाई आप तो कहते मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं है, जी माता जी तो कह रही है कि मुझे मुर्ग के मंदिरों में जाने की इजाज़त है। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे महापुरुष कौन से, उन्होंने फौरन बोला, देखा एक मंदिर के अंदर गुलाब का फूल लगा हुआ था, उन्होंने फौरन बोला, माता जी वो जो गुलाब का फूल अंदर लगा हुआ है आप उसको तोड़ कर लाओ। हाँ भैया, माता जी ने बोल तो दिया, लेकिन वो अंदर जाएगी तभी तो गुलाब का फूल टूटेगा। अब माता जी जब ये बात सुनी, तोड़ कर लाओ, अब माता जी नहीं जा रही। सर जॉन साइमन ने माता जी का हाथ पकड़कर मंदिर की तरफ खींच रहा है। मंदिर की सीढ़ियों पर जाते ही माता जी ने सीढ़ी को इतनी मजबूती से पकड़ा, जो कि अंग्रेज जो था मुर्गे मरगे खाने वाला, हमारी माता जी की पकड़ को नहीं छुड़वा सका, क्योंकि हमारी माता जी ने भी तो मोटा माल खाया हुआ था। आकर लिख दिया गया कि मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं है। उसके 20 किलोमीटर आगे जाकर कानपुर के पास, उसे आगे जाकर एक कुआं था जाटों का, वहाँ पर हमारे एक बुज़ुर्ग को बुलाया गया कि आपको पानी पीने की इजाज़त है बराबर सब लोगों के। उन्हें भी ऐसे बोल दिया कि भाई हम बराबर पानी पीते हैं, हमें कोई रुकावट नहीं है। तो उन्हें बोला निकालो कुएं में से पानी। आगे जाट जो थे लठ लिए बैठे थे, उन्होंने बोला ये गोरा तो निकल जाएगा 10 मिनट के बाद, मेरा क्या हाल होगा। वो वहीं पर ही गिर गया साइमन के पाँव के अंदर और लिख दिया कि इनको पानी पीने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद 30 नवंबर 1930 को सर जॉन साइमन ने अपनी वो रिपोर्ट जाके प्राइम मिनिस्टर एमजे मैकडॉनल्ड को दे दी। देने के बाद उन्होंने गांधी को बुला लिया। गांधी यानी 1930 के अंदर बाबा साहब अकेले गए थे। उसने डॉक्टर अम्बेडकर को बोला कि वे गांधी तो नहीं आया, तो बाबा साहब ने बोला वहाँ पर गांधी नहीं आएगा, गांधी पा को जवाब नहीं मेरी किसी भी बात का। आकर 2 महीने बाद गांधी वहाँ पर बुलाया गया। गांधी वहाँ पहुँचा, क्योंकि हमारे देश तो अंग्रेजों के अंडर था। वहाँ बोला कि भाई आज़ादी मांगने से पहले तुम आज़ादी मांग रहे हो, इससे पहले जो तुम्हारे लोग गुलाम हैं सदियों से, उनको आज़ादी कौन देगा। जब तक डॉक्टर अम्बेडकर सहमत नहीं होंगे तो आपको आज़ादी किसी सूरत में नहीं मिलेगी। और वहाँ से गांधी वापस आ गया। उसके बाद 1931 के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनके साथ श्री नवासन भी थे, और इधर के इधर चौकड़ी पूरी थी वहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू साथ, उसके गोविंद बल्लभ पंत तो नहीं था, सरदार पटेल थे, मौलाना आजाद थे, और एक तरफ और साथ गांधी बैठा हुआ, इधर रैमजे मैकडॉनल्ड बैठे हुए थे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रैमजे मैकडॉनल्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपेल किया बार बार, क्योंकि गांधी भी उनसे मांग रहा था। या वहाँ पर बोलना शुरू किया गांधी ने। गांधी कहते हैं जे जो अछूत है, जे हिंदुओं के पेनडंग हैं, आप पेनडंग हैं, जे हमारे से लग नहीं हो सकते, ये हमारा घरेलू मामला है, आप इस देश को छोड़कर चले जाएं, हम इसको अपने हल कर लेंगे। मैं जानता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत गलतियाँ की हैं लोगों के साथ। ज्यों ज्यों ये बोल रहा था गांधी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को गुस्सा आ रहा था। बाबा साहब ने बोलना शुरू किया कि जब 20 मार्च 1927 को महाड़ के तालाब पर पानी पीने के लिए मैं संघर्ष कर रहा था, मेरा सिर फाड़ा गया, मेरे समाज का सिर फाड़ा गया, उस वक्त ये तुम चौकड़ी कहाँ थी, तुम्हारा सिर
क्यों नहीं फटा मेरे बराबर अगर मैं हिंदू था। उसके बाद जब मैं कलाराम मंदिर नासिक के अंदर वहाँ पर गया, 1.5 साल तक मैंने संघर्ष किया मंदिर में जाने के लिए। उस वक्त मेरे समाज के साथ जो लाठीचार्ज हुआ और मेरे समाज की जो दुर्दशा की गई, उस वक्त तुम कहाँ थे? ये चौकड़ी जो मेरे साथ आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में है, ये चौकड़ी कहाँ थी? मेरे साथ तो इस चौकड़ी का भी सिर फटना चाहिए था। बे तुम्हारा सिर क्यों नहीं फटा, मेरा क्यों फटा अगर मैं हिंदू था? उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत बड़ी ऊंची आवाज़ से रैमजे मैकडोनल को कहा कि तुम्हारे राज के अंदर तुम्हारी पावर होते हुए इन लोगों ने मेरे समाज के ऊपर इतने अत्याचार किए, तुमने हमारी कौन सी मदद की, तुमने हमारे को कहाँ से बचाया? उस वक्त तुम कहाँ थे जब हमारे पर लाठीचार्ज हुआ कलाराम मंदिर में? उस वक्त आप कहाँ थे जब हमें महाड़ के तालाब पर पानी पीने के लिए हमारे पर लाठीचार्ज हुआ? आप लोगों ने इन लोगों को अपनी पावर के लिहाज से इनको रोका क्यों नहीं? आपने कौन सा ऐसा काम किया है? तो रैमजे मैकडोनल ने उसी वक्त बोल दिया वहाँ पर कि डॉक्टर अम्बेडकर और इसका समाज ये हिंदू नहीं है, ये अल्पसंख्यक में है, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी है। सो आज के बाद ये मतलब अल्पसंख्यक में है। इसके बाद कंटिन्यू करूँ, इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात के ऊपर प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनल ने कन्विंस होकर 18 अगस्त 1932 को कॉमनवेल्थ वार की अनाउंसमेंट की, जिसके बारे में मैंने अभी बोला था कि सेपरेट इलेक्टोरेट 1932। जब बाबा साहब की इस बात के ऊपर ये अनाउंसमेंट हो गई, जो कि उस जमाने नहीं, अपने ज़माने की, दुनिया की नहीं, बल्कि सारे विश्व की एक सबसे बड़ी क्रांति थी, जो बाबा साहब अकेले ही उसको लेकर आए थे और उसके एक एक हीरो थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। आप इसके साथ क्या था कि डेवलप वोटिंग का अधिकार मिला, ये बड़ी इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात है। देखिए हमारे लोग आज तक भी इस बात को नहीं चाहते, जैसा मैंने अभी बोला कि डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा अलग वोट की मांग की है, सेपरेट वोट, सेपरेट इलेक्टोरेट। अब उसमें क्या था, एक रिजर्व सीट है और एक जनरल सीट है। रिजर्व सीट पर सिर्फ एससी ही खड़ा होगा, एससी ही वोट डालेंगे, जनरल वोट नहीं डालेंगे। और जनरल पर एससी भी खड़ा होगा, एससी भी वोट डालेंगे, जनरल भी वोट डालेंगे। और अब आप ये बताइए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कभी रिजर्वेशन मांगा था? अब पहली बात तो ये है कि रिजर्व सीट से 88 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आते हैं, और उसके बाद जनरल सीट में हमारे लोग उन्हीं को वोट डालते जो हमारे हित की बात करता। आप बताइए दोनों को मिलाकर, आप बताइए इस देश के राजे तो हम बन गए थे 1932 के अंदर, लेकिन इस गांधी ने बहुत अन्याय किया बाबा साहब के साथ। इसने बोला मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं मर तो जाऊंगा, लेकिन ये आपको अधिकार लेने नहीं देऊंगा। और वहाँ से उठकर जब गांधी बम्बे पहुंचा, इसको पकड़ कर जबरदस्त जेल पुणे में बंद कर दिया, और उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर को सारे इंडिया से धमकी आने लगी। अब इसने गांधी ने क्या किया, वहाँ पर मरण व्रत रख दिया, किनके खिलाफ, हमारे अधिकारों के खिलाफ। अब आप ये बताइए भाई, सीधी सी बात आ जाती है, हम अंग्रेजों से अधिकार लिए तो गांधी ने इसका विरोध क्यों किया? गांधी को तो विरोध करना नहीं चाहिए था, क्योंकि गांधी भी अब आज़ादी मांग रहा था और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भी आज़ादी मांग रहे थे, एक इन मनुवादियों से आज़ादी और दूसरा अंग्रेजों से आज़ादी। तो आज मैं इस मौके पर क्या देना चाहूँगा, 1 सितंबर 1932 को गांधी ने मन बात रख दिया और बाबा साहब को बहुत बड़ी धमकी आनी शुरू हुई। और उसके बाद 5 सितंबर 1932 को कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोठी पर बम्बे आए राजगृह में। एक कहती मेरे पति की जान बख्श बाबा साहब, एक कहती मेरे बापू की जान बख्श, और पंडित मदन मोहन मालवीय कहता डॉक्टर अम्बेडकर एक पंडित होके आज तुम्हारे दरवाजे पर गांधी के प्राणों की भीख मांग रहा है, तो क्या आप
मेरे को गांधी के प्राणों की भीख नहीं देंगे। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा, जब मुस्लिम समाज ने 1906 के अंदर अधिकार मांगे तो गांधी मरिया नहीं, जब क्रिश्चनों ने मांगे तो गांधी मरिया नहीं, पारसियों ने मांगे तो गांधी मरिया नहीं, जब सिखों ने मांगे तो गांधी मरिया नहीं, जब मैं अधिकार लेकर आया तो गांधी ने मन बात रख दिया। कितना अच्छा होता जे गांधी मेरा साथ देता, यदि पूजा होती, लेकिन इसने मेरा कदम कदम पर विरोध किया। जाओ गांधी परसों मरते आज मरते, मुझे गांधी से लेना देना नहीं है। आप इसके साथ मेरे को आज वो कहानी याद आ गई है, 17 सितंबर को धमकी आई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, अगर गांधी मर गया ना तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे ना तेरे समाज को छोड़ेंगे। जहाँ पर एक कहानी मुझे याद आ गई, क्योंकि एक किसी का मकान था फर्स्ट क्लास, और एक आदमी कहता मुझे मकान दे दो, वो कहता मैं क्यों मकान दूँ, कहता नहीं मकान दिया तो मैं मर जाऊँगा। यानी ये तर्क गांधी दे रहा है। आप एक साथ एक बात कह दूँ, एक लड़की थी खूबसूरत, उसके साथ एक बदसूरत आदमी शादी करनी चाहता था, और वो लड़की के बाप के पास गया, वो कहता मैं शादी क्यों करूं, मैं तो शादी किसी सूरत में नहीं करूंगा। और वो कहता नहीं शादी करोगे तो मैं मर जाऊंगा। उसने क्या किया, लड़की के बाप के घर के आगे उसने अपना बिस्तरा लगा दिया कि मैं मर जाऊंगा, शादी मैं इस लड़की से करूंगा। आप गांव के लोग भी और बहुत से लोग आए, अरे शादी तो करनी है, जब मर जाएगा इसकी बात मान जाओ, जो कोई हिंसा नहीं कर रहा, शादी तो करनी चाहता है वो। फिर वो ऐसे बड़ा लड़की का बाप बड़ा दुखी था, वो एक पुराने गांधीवादी के पास आया कि मुझे इस मुसीबत से छुड़ाओ, क्योंकि गांधी का काम है कि व्रत रखना, डराना और ब्लैकमेल करना, जैसा इसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ब्लैकमेल इससे शुरू से किया। और उसने उसको बोला भी तो ये काम कर, अब एक बदसूरत बैश्या को ले आ, जो कि एक 70-80 साल की, उसको 100 रुपए रोज का देना शुरू कर देना कि मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, और उसको बोल देना कि तू भी इसके बराबर में बिस्तर लगा ले, और ये कंडीशन के साथ कि मैं तेरे से शादी करूंगी। उसने भी बिस्तर लगा दिया। लगाने के बाद वो पूछता उससे कि तू यहाँ पर बिस्तर क्यों लगा दिया, वो कह रही मैं तो आपके साथ शादी करूँगी, वो कहता मैं तो नहीं करूँगा। अब तो फंस गया उसमें, जब फंस गया तो अब सोचे मैं यहाँ से भागूँ कैसे। अब उसने देखा रात को जब वो सोई हुई है बुढ़िया, अपना बोरिया बिस्तरा इकट्ठा किया और वो रात को भाग गया। इसी तरह अगर मेरे समाज के किसी एक व्यक्ति ने भी गांधी के मुकाबले में मन व्रत उस वक्त रखा होता तो गांधी भी उसकी तरह भाग जाता और हम लोग इस देश के हुक्मरान बन जाते। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा सेपरेट वोटिंग का सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए उन्होंने हमेशा वकालत की है। और इसके साथ ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी के दर पर हमारी लड़ाई जीती थी, लेकिन समाज उस वक्त तैयार नहीं था। अगर समाज तैयार होता तो हम 1932 के अंदर इस देश के हुक्मरान बन जाते। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।